इसका दादाजी और अंकल थे दो वो दोनों खेलना पसंद नहीं करते थे तो बंद कर दिए घर में। बोलते थे कोई लड़की नहीं जाती है तो क्यों भेजती है अपना बेटी को, हम इसी के चलते वो कारण हमको अलग कर दिए, बाहर हम चलाए, आज तक गांव नहीं जाते हैं। बाहर गई, विदेश गई और बिहार का नाम भी रोशन की, देश का नाम भी रोशन कर रही है। स्टार्टिंग तो मेरी फैमिली को पसंद ही नहीं था खेलना कूदना, बस एक मेरी माँ थी जो मेरा पूरा सपोर्ट करती थी। मम्मी कुछ समय के लिए गुजरात चली गई थी मेरी सिस्टर के पास, तो उन्होंने मुझे वो 3 महीने के लिए चली गई थी, तो 3 महीने उन्होंने मुझे खेलना छुड़वा के मेरे घर में बंद कर दिया था। उस टाइम कोई भी लड़की ग्राउंड नहीं जाती थी, स्टेडियम नहीं जाती थी, तो मुझे लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना था होता था। तो हमारी बेटी हैंडबॉल प्लेयर है, शुरू में हम लोग इसको बहुत क्रश किए, पूरा सामाजिक दबाव और पिताजी के चलते हम इसका खेल उन सब बंद करा दिए। जो भी किया हुआ है इसका जो भी श्रेय जाता है इसकी माँ को जाता है, हम लोग सदा अपोज किए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी, आज हम एक ऐसी माँ की कहानी को बता रहे हैं और जिन्होंने सामाजिक बंदिशों से अपनी बेटी को आज़ाद कराई और उनकी बेटी आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल में एक बड़ी नाम स्थापित की है। मेरा नाम प्रभा कुमारी है, गांव मेरा भदौर हुआ और मेरा बेटी खुशबू कुमारी है। बचपन से ही खेलना चाहती थी, हमसे बोलते रहती थी कि मम्मी हम बहुत खेलेंगे और कुछ करेंगे आगे बढ़ के, तो जब खेलने के लिए हम भेज दिए तो खेली। आज फिर उसके बाद हम कुछ समय बाद गुजरात गए, गुजरात जाने के बाद इसको खेल में बंदी बना दिए। इसका दादाजी और अंकल थे दो वो दोनों खेलना पसंद नहीं करते थे तो बंद कर दिए घर में कि नहीं खेलना है। गुजरात से हम आए उसको बाद इसको फिर हम खेलना शुरू करवाए और दादाजी जो थे तो बोलते थे कि तुम्हारे बेटे चलते हम रोड पर आ जाएंगे, शादी कर लो बचपन में, मगर हम बोले कि नहीं बचपन में शादी नहीं करेंगे, हम इसके लेके बाहर चल जाएंगे। हमसे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, बाल बच्चा को हम गाय मिल करके पढ़ाए, इसका पापा जितना मेहनत करना था गाय मिल मुर्गी फार्म था वो सब से कर करके तीनों बाल बच्चा को पढ़ा दिए, पढ़ा के ही मुकाम पर आए। और मेरा बेटी खेलने से बहुत लगाव था और खेलना स्टार्ट कर दी। खेलने के लिए जब बाहर गई, विदेश गई और बिहार का नाम भी रोशन की, देश का नाम भी रोशन कर रही है, तो हमको बहुत खुश लग रहा है, मगर दादाजी का खुश नहीं लग रहा है। आज तक वो अपना पोती से मिलने के लिए भी नहीं आते हैं और ना पहचान सकते हैं कि मेरा ये पोती है कहीं। गांव वाला भी बोलता है कि आपका पोती देखिए इतना नाम रोशन कर दिया, मगर वो नहीं कभी चाहते हैं कि कभी जाके मिले पोता पोती से और खुशबू से, मगर नहीं मिल पाते हैं और नहीं आते हैं। शादी में भी आए तो बाहर से चल गए, घर नहीं आके मिले और ना देखे इसको कि मेरा पोती कैसी है। दादाजी को इतनी नाराजगी क्यों थी? दादाजी की नाराजगी थी कि नहीं खेले और बचपन में शादी कर दे, इन लोग के शादी करके कहीं विदा कर दें। हम लोग सोचे कि नहीं बाल बच्चा को पढ़ाना जरूरी है, बच्चा को पहले पढ़ाइए कि हम शादी करें। खेल से इतनी नफरत क्यों थी उनको? उसको गांव मोहल्ला वाला ताना मारता था, जैसे ग्राउंड में कोई लड़की नहीं जाती थी खेलने, एक खुशबू पहले खिलाड़ी में थी, तो इसके चलते वो बोलते थे कोई लड़की नहीं जाती है तो क्यों भेजती है अपना बेटी को, हम इसी के चलते वो कारण हमको अलग कर दिए, बाहर हम चलाए, आज तक गांव नहीं जाते हैं कभी। उन्हें कुछ दिए वो अपना मास्टर थे टीचर थे, मगर एक पैसा आज तक वो हमारा बेटी में नहीं दिए। दो बेटी के हम शादी किए मगर एक पैसा वो नहीं दिए कि हाँ तुम बेटी के ही करो वो करो, कोई मतलब नहीं है। गांव में रहते हैं दादाजी इसका, भदौर में। अच्छा, आप लोग? आप लोग हम नवादा में रहते हैं। अच्छा, उसी समय से? उसी समय से 2000 से हम नवादा में रह रहे हैं। अब बहुत काम करने के बाद इतना सहयोग, इतना आगे हम बढ़े हैं बाल बच्चा के लेके, और बाल बच्चा बहुत नौकरी चौकरी कर ली तो हमको खुश लग रहा है कि नहीं मेरा बेटी बहुत अच्छा नाम रोशन किए। आज सब मोहल्ला वाला और गांव वाला सब खुश है कि बहुत अच्छा कर रही है इसका बेटी, सब जानती है। खुशबू का नाम से हम लोग को पहचान है कि खुशबू का मम्मी है पापा है, ऐसा नहीं है कि मम्मी के नाम से खुशबू को कोई पहचानते, खुशबू के नाम से हमको पहचान मिल रहा है। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली खुशबू को लेकर के?
खुशबू जब विदेश खेलने के लिए वियतनाम गई ना, तब से हमको बहुत खुश लगा। खुशबू कुमारी अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हो, बिहार की 10 साल से मैं बिहार टीम की कैप्टन हूँ सीनियर से के, और मैं अभी सैफ गेम 2019 में साउथ एशियन गेम्स जहाँ मैं गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ, और बिहार से एकमात्र खिलाड़ी मैं थी 624 खिलाड़ी में से, बिहार की इकलौती खिलाड़ी जो सैफ गेम में पार्टिसिपेट करी थी, और पूर्व भी मैं 4 देश में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। 2016 में मैं वियतनाम गई थी जहाँ मैं मतलब बीच एशियाई गेम्स था, और दूसरा मैं 2017 में उज्बेकिस्तान गई थी, एशियन लीग चैम्पियनशिप था, और 2015 में बांग्लादेश गई थी, वहाँ भी हमारा गोल्ड मेडल था, 2018 में लखनऊ में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था वहाँ भी गोल्ड मेडल था, और लास्ट 2019 में काठमांडू में साउथ एशियन गेम्स वहाँ भी हमारा गोल्ड मेडल था। कहानी तो बहुत दुखदायी रही है फिलहाल। मेरा स्पोर्ट्स कैरियर तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है फैमिली सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है, बाकी बाद में होता है। स्टार्टिंग तो मेरी फैमिली को पसंद ही नहीं था खेलना कूदना, बस एक मेरी माँ थी जो मेरा पूरा सपोर्ट करती थी खेलने के लिए, चुपके से ग्राउंड भेज देती थी, उनको सब कुछ पता होता था कि मैं क्या करती हूँ। और अब कुछ फैमिली तो आज भी मेरे से नाराज़ है क्योंकि मैं खेलती हूँ, बहुत लोग फैमिली है जिनको अभी भी पसंद नहीं है कि मेरा खेलना, और ख़ासकर मेरे दादाजी और एक चाचा जी हैं, उनको भी मेरा खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करी थी खेलना तो यहाँ पे हरिश्चंद्र स्टेडियम नवादा में, उस टाइम कोई भी लड़की ग्राउंड नहीं जाती थी, स्टेडियम नहीं जाती थी, तो मुझे लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना था होता था, तो देर से घर आना क्योंकि प्रैक्टिस करने में देर हो ही जाता था, तो इसके लिए पड़ोसी वाले भी घर में आके ताना मारते थे कि आपकी बेटी लड़कों के साथ खेलती है, तो इंसान सुनते सुनते, चाहे वो मेरे पापा हो चाहे वो मेरे चाचा हो दादाजी, सुनते सुनते उनको भी वो चीज़ गलत लगने लग गया। तो मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मुझे फाइनली उन लोग डिसाइड कर लिए कि इसको अब नहीं खेलने देना है, तो उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी कुछ समय के लिए गुजरात चली गई थी मेरी सिस्टर के पास, तो उन्होंने मुझे वो 3 महीने के लिए चली गई थी, तो 3 महीने उन्होंने मुझे खेलना छुड़वा के मेरे घर में बंद कर दिया था कि तुझे खेलने नहीं जाना है, आज के बाद कहीं नहीं जाना है तुझे अब कहीं भी। तो मैं बहुत रो रही थी। 2016 में सैफ गेम का कैंप भी मेरा कैंप का इंडिया कैंप का मेरा पहला लेटर आया घर पे, फिर मैं बहुत रो रही थी, फिर मैं मम्मी को फ़ोन करी कि मम्मी आओ, तुम नहीं आओगी तो मुझे खेलने नहीं जाने मिलेगा, तो फिर मम्मी वहाँ से भागी भागी आई मेरी वजह से, घर में सबसे झगड़े करी सबसे बातें करी, सब मान नहीं रहते, फिर भी मम्मी अपनी जिद बोली कि मैं अपने रिक्स पे इसको खेलना भेजना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी होगा तो मेरा बुरा होगा, मेरी बेटी है। इस तरीके से फिर मुझे मम्मी ने दोबारा आज़ाद कराया ग्राउंड गेम, उस टाइम से मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी हूँ, उस टाइम से लगातार मैं इंटरनेशनल टीम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। कुमार जी नवादा, हमारी बेटी हैंडबॉल प्लेयर है, शुरू में हम लोग इसको बहुत क्रश किए, पूरा सामाजिक दबाव और पिताजी के चलते हम इसका खेल उन सब बंद करा दिए थे, लेकिन अपनी माँ के चलते ये आगे बढ़ी है, और जो भी किया हुआ है इसका जो भी श्रेय जाता है इसकी माँ को जाता है। हम लोग सदा अपोज किए इसलिए कि समाज हम लोग को तरह तरह के ताना देता था, लेकिन फिर भी माँ उस ताना को सुन करके आज बेटी को आगे बढ़ाई, और आज समाज और हम सभी को अच्छा लग रहा है। हम लोग इसलिए अपोज कर रहे थे कि अगल बगल के लोग बोलते थे कि बेटी ग्राउंड जाती है, लड़की होकर के ऐसे करती है, यहाँ जाती है अकेले खेलने के लिए जाती है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। हम लोग साधारण परिवार से हैं इसलिए हम लोग पर काफ़ी सामाजिक दबाव आता था, लेकिन सब दबाव को झेल करके इसकी माँ कही कि हमारी बेटी आगे बढ़े, तो हम लोग को छूट देना पड़ा, और आज जो है समाज भी बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, और हम लोग भी को भी अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी देश का नाम रोशन कर रही है। अब तो सारे लोगों का नज़रिया बदल गया है और सब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उस समय कोई भी नहीं देखना चाह रहे थे। तो ऐसा कोई लोग मिले जो आके कहे कि नहीं आपकी बेटी अब अच्छा कर रही है? सभी लोग बोलते हैं, अब तो सभी लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, गाँव से लेकर के इलाका गाँव और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हमको बोलते हैं कि आज आपसे बात कर रहे हैं तो लगता है कि एक हैंडबॉल प्लेयर के पिता से बात कर रहे हैं।